अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, क्या क्या इनमें काम किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या होता है, इसको आज हम देखने वाले हैं। आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर किसी भी टॉपिक के हम उसके इंट्रो को डिस्कस करते हैं ताकि उसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री की समझ आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मटेरियल मिलता रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंटिंग का कि हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस करना है बिजनेस का। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में। ये सबसे जो मेजर हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, हम ये इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये बताएगी कि फाइनेंशियल पोजिशन क्या है हमारी कंपनी की। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की हैं हमारे पास, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो का फिर कभी डिस्कस करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दो तरह की हमारी अकाउंटिंग के अंदर आ रही हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है मोस्टली डिपेंड करता है वो सारे का सारा होगा इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक है। बैलेंस शीट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि दिस इज द डिवाइस टू कैलकुलेट द नेट इनकम और नेट लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। पहली बात कि नेट जो इनकम स्टेटमेंट है ये किसी भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यूजुअली एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड बनाई जाती है और ये एट द एंड ऑफ मंथ भी बनाई जाती है, एक क्वार्टर के बाद भी बनाई जा सकती है और ईयरली भी बनाई जाती है और जो है वो मंथली भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। तो इनकम स्टेटमेंट तो हमारे पास ये हो गया कि जो प्रॉफिट और लॉस को चेक करने की डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट। फिर हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट दो तरह से बनाई जाती है, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है रिपोर्ट या स्टेटमेंट फॉर्म और एक होती है अकाउंट फॉर्म, ठीक है। अब जो रिपोर्ट फॉर्म है उसको अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं अभी आगे जाके बताता हूँ, और अकाउंट फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे। सेम लाइक दैट हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी दोनों तरह से बनाई जाती है, रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म की तरह ही, ठीक है। और हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं या बैलेंस शीट बनाएं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सर्विसेज बिजनेस इनकम स्टेटमेंट होगी और एक मर्चेंडाइजिंग इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है। बैलेंस शीट तो बाद का प्रोसेस है, पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक सर्विसेज बिजनेस की और एक मर्चेंडाइजिंग की। अभी जो पहला पार्ट है इसमें हम सर्विसेज बिजनेस को डिस्कस करेंगे, मर्चेंडाइजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो जी, अभी सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने का पर्पज क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारी सेल्स का, जो नेट हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपनी कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमारे पास कितना जो है वो प्रॉफिट बच जाता है, उस चीज़ को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। टू नो द ऑपरेटिव एक्सपेंसिस, ठीक है, दिस हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑपरेशन। हम ऑपरेटिव एक्सपेंसिस का भी हमें पता चलता है कि हम कितना खर्चा करें, तो फिर हम ये पता चलता है कि हम अपने एक्सपेंसिस को कम या कट डाउन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस से। तो कॉस्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें ऑपरेटिव एक्सपेंसिस को जानने के बाद पता चलेगा। टू नो द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ उसकी ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस कहाँ से कट डाउन कर सकती है, कितना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, कितना उसको करना चाहिए, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस का भी यहाँ से आइडिया हो जाता है। टू नो द रिलेशन बिटवीन सेलिंग एंड रेवेन्यू ऑफ सेल्स, अ वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि हाँ हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या है और हम कितनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ये हमारा जो मेजर पार्ट है, इससे हमें जो है ये पता चल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमें ये कुछ चीज़ों का पता चलता है कि हम अपनी सेल कितनी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल्स हमारा क्या है, ठीक है, और फिर हमारा जो सेलिंग का जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, ठीक है, हमें कितना बढ़ाना चाहिए सेलिंग प्राइस। अगर हम कम प्रॉफिट मार्जिन अर्न करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हमें सेल को लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हम चीज़ों को हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। चलो ये तो कवर हो गया। अब हमारे पास है रिपोर्ट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको। हमने जितनी भी इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है, सर्विसेज बिजनेस की या फिर मर्चेंडाइजिंग की, हम ज़्यादा ही बनाएंगे ही इसमें रिपोर्ट फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म, लेकिन अकाउंट फॉर्म कैसे बनती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो रिपोर्ट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले
तो आप ये देख लें कि जब भी इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे तो ये तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, हेडिंग, ये चीज। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, एबीसी कंपनी, कंपनी का नेम आता, कोई भी सभी टेक्सटाइल मिल, ठीक है, और जो है वो अर्जुन टेक्सटाइल मिल, सो भी। फिर उसके बाद है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, हम वर्ड लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो लिखेंगे बैलेंस शीट, और एंड पे लिखा रहता है फॉर द मंथ एंडेड। ठीक है, फॉर द मंथ एंडेड अगर मंथ की बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड अगर ईयर की बना रहे हैं, 31 जनवरी 2021 है। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, इसके हम हेडिंग देते हैं, ये हमारे पास रुपीज होते हैं, ये भी रुपीज होते हैं, अमाउंट का कॉलम होता है। सबसे ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे बनी हुई है ये सर्विसेज बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग की हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये सर्विसेज बिजनेस के लिए एक स्केच के तौर पे है कि अगर रिपोर्ट फॉर्म आए तो वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशन फ्रॉम, यहाँ पे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, हम टिकट्स का ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो टिकट सेल आउट कर दी हैं। ठीक है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो हमने सबसे ऊपर लिख लिया, जितना भी होगा, सेल्स भी इसको बोलते हैं, रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस फिर हमारे पास आ जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमने माइनस करने, लेस करने होते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, यहाँ लिखे, इनको कैलकुलेट किया तो ये आ गया टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस में हुए, सेलिंग, पेमेंट, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये हमारे पास इनकम थी, इसमें से हमने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑपरेटिव इनकम। क्या आ गई, ऑपरेटिव इनकम आ गई। इस ऑपरेटिव इनकम में से अगर कोई अदर एक्सपेंस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर अदर इनकम होगी तो वो ऐड कर देंगे। ये अदर एक्सपेंस और अदर इनकम क्या होती है, ऐसी चीज होती है जो जिसका डायरेक्टली बिजनेस के जो ऑपरेशन चीजें बनाने से कोई इंपैक्ट नहीं होता, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, कोई रेंट हो गया, ये वाली चीजें जो है। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेशमेंट आ गई और रेंट आ गया, तो ये अदर इनकम में दो चीजें थी ऐड की, और ये ऐड करके हमारे पास 14,795 हमारे पास नेट इनकम आ गई। अगर ये माइनस में आता तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आ जाता। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है रिपोर्ट फॉर्म की, कि रिपोर्ट फॉर्म इस शेप में होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से ये हमारी रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, इस तरह से। और अगर एंड पे हमारी नेट इनकम निकल आएगी, अगर अकाउंट फॉर्म होगी तो वो किस तरह से होगी उसको भी मैं आपको बताता हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी हम देख लेते हैं अकाउंट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, अकाउंट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पार्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट है जो कि हम सर्विसेज बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, तो अभी हम सर्विसेज बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास ये सबसे पहले हेडिंग्स होती है इनकम स्टेटमेंट में, हेडिंग किसको बोलते हैं, ये थ्री वर्ड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने मिस नहीं करना वरना मार्क्स कट जाएंगे। स्लिम एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, उस कंपनी का नेम, और इनकम स्टेटमेंट वर्ड, और फिर फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर को या जिस भी मंथ को आप उसको बना रहे होते हैं। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू अर्न, आपने जो भी इनकम अर्न की होगी सबसे टॉप पे वो आती है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज, सेल्स फ्रॉम द सर्विसेज, जो भी। फिर हमारे पास आएंगे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जो जो बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस आए उसको ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑपरेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने माइनस किए, फिर हमारे पास आ जाती है ऑपरेटिव इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगी, ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हमारे पास या तो अदर एक्सपेंसेस होंगे या फिर अदर इनकम होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट पेड है वो हमारी अदर एक्सपेंस है, कमीशन है रिसीव की है तो वो हमारी अदर इनकम हो जाएगी। उसको प्लस माइनस करने के बाद या तो नेट इनकम आएगी या फिर क्या आएगा, नेट लॉस आ जाएगा, इन दोनों में से एक चीज जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेसिक, ये किसके लिए है, ये सर्विसेज बिजनेस की आज हम बात करें। अगर सर्विसेज बिजनेस हो तो इनकम स्टेटमेंट बनानी आए तो हम ये चीज़ें हमारे पास हेडिंग्स और ये उसके पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये उसकी हेडिंग आ गई। अकाउंट फॉर्म बोलते हैं कि जैसे एक डिवाइड कर दिया जाता है, एक ये साइड है हमारे पास और एक ये साइड है, ये डेबिट साइड है और ये हमारे पास है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर हमारी इनकम्स आती हैं, डेबिट साइड पे हमारे एक्सपेंसेस, ये देख लें आप, फ्यूल एक्सपेंस, ड्राइवर, रिपेयर, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और फिर इधर सर्विसेज रेवेन्यू और कमीशन रिसीव, ये हमारी इनकम है। इनकम को प्लस किया और हमने ये प्लस किया तो ये आ गया 210,000, इसको इधर ले गए टोटल दोनों का 210,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 210,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए, माइनस करने के बाद अगर तो ये जो एक्सपेंसेस ज़्यादा होते और इनकम हमारी कम होती तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, नेट लॉस। अभी ये
कम है, इनकम हमारी ज़्यादा है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, नेट इनकम। तो इस तरह से हम जो है वो ये अकाउंट फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्म को नहीं करें। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं तो आप इसको अकाउंट फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे रिपोर्ट फॉर्म में। ये जो रिपोर्ट फॉर्म है इसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, या स्टेटमेंट फॉर्म या रिपोर्ट फॉर्म जो हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड है, सर्विसेज बिजनेस है और ये उसका क्वेश्चन, और ये हमने रिपोर्ट फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बनाई है। नेक्स्ट जो पार्ट है आएगा उसमें हम मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की जो इनकम स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। टिपिकल होती है, थोड़ी सी टफ है, टफ तो नहीं हम कह सकते लेकिन वो लेंथी है, उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रायल बैलेंस स्लिम एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020। ट्रायल बैलेंस है स्लिम एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी का दिया हुआ, जो कि हम ट्रायल बैलेंस पढ़ा है इसी तरह से बनाया था हमने, इक्वल है दोनों साइड। तो हम यहाँ पे आ गया स्लिम एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, जो कि हमें यहाँ से मिलेगी। ये पढ़ी है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज 1,10,000, वो लिख ली हमने। तीन कॉलम्स बनाए हैं मैंने, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये है, ठीक है। तो जो एंड कैलकुलेशंस हैं वो हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले जो अमल होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। फिर मैंने बताया ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑपरेटिव एक्सपेंसेस रेवेन्यू के बाद। तो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में से फाइंड आउट करें, अभी पूरा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें से इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी और बैलेंस शीट भी। चूंकि हम अभी बैलेंस शीट नहीं बताया मैंने, वो नेक्स्ट में बताऊंगा, तो अभी हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स, कैश हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, मशीनरी एसेट है, फ्यूल हमारा एक्सपेंस है, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, फ्यूल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया ये इंटरेस्ट पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है ये हमारा है अदर एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्टली बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा अदर एक्सपेंस है। तो ये दोनों जमा किए, तो हमारे पास ये दोनों लिखे, प्लस किए, इधर ले आए 70,500 आ गए, माइनस करते हैं ये, ठीक है। तो क्या अमाउंट आई, 59,600। ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है ऑपरेटिव इनकम। अभी इसमें से अदर एक्सपेंसिस और अदर इनकम एड और प्लस माइनस होनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ऑपरेटिव इनकम आई है। फिर हमारे पास देखें अदर इनकम, अगर तो कोई चीज़ इसमें से मिसिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको यहीं पे ही नेट इनकम कर देंगे इसको कंसीडर। अभी हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, नोट्स पेबल लाइबिलिटी है, कैपिटल भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हमारा क्या है, ये हमारी अदर इनकम है। तो यहाँ पे हमने अदर इनकम का कॉलम बनाया, अमाउंट लिखी 2000 की, प्लस कर दिया, ये 61,600 बन गया। अब हमारे पास है यहाँ पे देखें इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ, ये अदर एक्सपेंस है, ये आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पे लिखा 2000 अमाउंट थी, माइनस किया, तो ये 9,600 हमारे पास क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो ये हमारा क्या आ जाता, नेट लॉस आ जाता। तो ये बेसिकली हमने सर्विसेज बिजनेस की रिपोर्ट फॉर्म के अंदर हमने ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और मैं आपको अकाउंट फॉर्म भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आज सर्विसेज बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट को हमने देख लिया है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट पर आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पहली दफ़ा आए हैं तो डिस्क्रिप्शन देख लें, प्लेलिस्ट देखें, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे अपनी अकाउंटिंग बीबीए एमकॉम बीकॉम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।